Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is Dr. Zahar, and I'm an endocrinologist. मेरा जो टॉपिक आज का है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के ऊपर है. स्ट्रेस इज अ डिसऑर्डर जिसके अंदर मुख्तलिफ मल्टीपल हॉर्मोन्स जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं. जो मोस्ट एसेंशली जो दो हॉर्मोन जिनका बड़ा पावरफुल रोल है, एक कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हॉर्मोन है, जिस जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में चाहे वो बॉडी के अंदर है चाहे बाहर है वो ऊपर जा सकता है. दूसरे जो है वो आपके सेक्स हॉर्मोन, जिसमें मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है. देयर इज अनदर हॉर्मोन व्हिच इज ऑक्सीटोसिन, उसकी डेफिशिएंसी से भी स्ट्रेस लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. जो स्ट्रेस से मुतालिक का जो चीज़ें आपकी बॉडी में इनिशिएट होती है, कोई भी जो स्ट्रेसफुल इवेंट बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर से जब भी इनिशिएट होगा या शुरू होगा वो आपकी ब्लड शुगर लेवल ऊपर रेज करेगा पहले. तो ये इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी ने कोई ख़राब खबर सुनी है या किसी की बॉडी में कोई ऐसा इन्फ्लेमेशन हुई है शुरू, जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो ऊपर चली जाएंगे. अब एक तो वो कैस्केड शुरू हो गया, दूसरा जो और कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो डायरेक्टली आपको आपका टेम्परमेंट ख़राब कर देंगे. मिसाल के तौर पे मर्द हज़रा को अमूमन दे बिकम शॉर्ट टेम्पर्ड अगर उनका मेल हॉर्मोन ड्रॉप हो जाए. ये शॉर्ट टेम्पर्ड जो हॉर्मोन जो ड्रॉप होगा उनका टेस्टोस्टेरोन, वो ड्रॉप होने की वजह से उनका कॉर्टिसोल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी एक का दफ़ा तो बर्दाश्त कर लेगी. हर दफ़ा में बॉडी के जो सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं या बायोकेमिस्ट्री के जो उसके पाथवेज हैं या जो मॉलिक्यूल्स के जो पाथवेज हैं वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, वो एक का दफ़ा तो आपको बर्दाश्त कर लेगी, जाने देंगे. अगर उन्होंने पैटर्न कैच कर लिया वो उस पैटर्न के हिसाब से हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देंगे. सो बहुत दफ़ा आप देखिए कि ऐसी बीमारियाँ या ऐसी कंडीशन जिसमें जो बड़ी स्ट्रेसफुल होती है वो कुछ ऐसे के बाद आपको स्ट्रेस नहीं दे रही होती, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो क्लाइमेटाइज हो जाती है. एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वुड लीड टू व्हाट इज कॉल्ड डिप्रेशन. अगेन मेरा आई हैव अ प्रॉब्लम. मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को डिप्रेशन के लिए पैदा नहीं किया, और उसकी वजह ये कि आपको सर्वाइवल के लिए पैदा किया. सारी बायोकेमिस्ट्री आपकी जो आपकी वर्किंग है वो सारी की सारी बेस्ड है स्ट्रेस के लिए. आपको डिप्रेशन के लिए नहीं बनाया. स्ट्रेस किस चीज़ का? आपने सर्वाइवल का स्ट्रेस है आपके, और वो जो हम लोग लाखों साल में जो कवर करके आज हम 2020 में बैठे हुए हैं, उसके पीछे इंसान जंगलों से निकल के आया है, केव्स में आया है, एग्रीकल्चर में आया है, उसकी लाइफस्टाइल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी मौजूद थी जो एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव स्ट्रेस. ये जो अब हमारी जिंदगियों में से वो फिजिकल एक्टिविटी निकली है दैट इज लेड टू अनकंट्रोलेबल लेवल्स ऑफ स्ट्रेस जो अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ जाते हैं. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन विद ऑल ऑनेस्टी मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आपको डिप्रेशन है, यू मस्ट गो एंड चेक योर सेक्स हॉर्मोन. मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन है, DHEA है, थायराइड है. फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्टेरोन है. ये जो तीन चार थायराइड भी हैं सारी फीमेल्स के लिए, ये तीन चार हॉर्मोन्स हैं, ये सब की सब अल्टीमेटली आपको मजीद स्ट्रेस असर देते हैं जब आपकी शुगर लेवल्स ऊपर जाती है. और हमें नहीं मालूम है. मैं आई कैन अश्योर यू आई थिंक दैट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अ डायबेटिक बिकॉज हमने चेक ही नहीं किया, हमें चेक करना आता ही नहीं है. 50 किलोमीटर की वॉक कर रहे हैं या आपकी कभी यू आर नॉट एबल टू लूज वेट बिकॉज आपकी बॉडी उस स्ट्रेस की आदि हो चुकी है जो 50 किलो का है. आप फाके करके देख रहे हैं तब भी आपके वेट लॉस नहीं होगा, जो कि कॉन्स्टेंटली जो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मोटे हैं उनकी ज़िंदगी का स्ट्रेस है.
इसलिए आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो कुदरती आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो मिला है वो एक पूरा सिस्टम है हॉर्मोन्स का जो कम्प्लीटली बैलेंस रखता है ताकि यू डू नॉट एंड अप इन कंडीशन सच एज डिप्रेशन और अदरवाइज. इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी.